कमजोरी, आज हर कोई कमजोरी से पीड़ित है, ढूंढ रहा है रसायनों को और पता नहीं न जाने किस तरह के टॉनिक को। जहां भी जाता है और कोई कह दे कि यह तो टॉनिक है, तो टॉनिक के नाम पर वो सब कुछ करने को तैयार है, सब कुछ लुटाने को तैयार है, चाहे वो मूसली और अश्वगंधा का पाउडर से लेकर के बियाग्रा तक कुछ भी खाना पड़े, कुछ भी हो जाए बाद में, इसके नुकसान को परिणाम को नहीं विचार करता हुआ अपनी वासनाओं के और कामनाओं के पूर्ति के लिए न जाने आदमी क्या करने के लिए तैयार है। उससे मैं समझता हूँ कि कहीं आप अपने आप को नुकसान में और अपने आप को ऐसे समंदर में ले जा करके डालेंगे जहां से वापस लौटना नामुमकिन होगा, खड़े भी आप बहुत दिन तक नहीं रह पाएंगे। फिर तो तीसरी स्थिति का तो आप स्वतः ही वर्णन कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप बहुत गहरे समुद्र में हो और चारों तरफ जो है पानी ही पानी आपको दिखाई देता हो और कोई साधन बाहर निकलने का न हो, तो क्या करेंगे? आज सेक्स टॉनिक के नाम पर और विविध तरह के ताकत के औषधि के नाम पर ये लोग आपको वहीं ले जाकर के छोड़ेंगे। कल्पना कीजिए जैसे आप बीच समंदर में बिना नौका और बिना साधन के होंगे। तो इसीलिए यह निरापद औषधियां, ऋषि ने कहा कि संयमित जीवन होना चाहिए, निश्चित रूप से हमारे शुक्र और वीर्य ऐसे व्यर्थ करने के लिए नहीं है। आपकी कार्य की शक्ति, ऊर्जा की शक्ति, जो भोग भी वही भोग सकता है, वीर भोग्य वसुंधरा, जो आत्म संयमी है, जो वीर है, जो शरीर से बलिष्ठ है, जिसकी मानसिक शक्ति सबल है, जो आत्मिक रूप से उन्नत है, वही संसार के भोगों को भोग सकता है। बाकी तो भोगों को क्या भोगेंगे, भोग स्वयं ही आपको भोग जाएंगे, फिर सिर्फ पछतावा के सिवा दुनिया में कुछ नहीं बचता है। कुछ आज ऐसा ही हो रहा है। जवानी तो कब आई और कब गई, शायद उस जवानों से पूछिए जो वास्तव में हमारे संस्कृति निष्ठ जो लोग हैं, वह तो जीवन का आनंद ले रहे हैं। जो संयमित है वह तो जीवन का आनंद ले रहे हैं। असंयमी से जाकर के पूछिए कि जीवन का क्या आनंद होता है। वास्तव में वो जो है, जिस तरह से, एक तरह से मैं यूं कहूं कि दीपावली आने से पहले, दीपावली से पहले जो पटाखा छुड़ा दें, और दीपावली के दिन दूसरे तो पटाखे छुड़ाते हैं और बेचारे बैठ करके मासूम सा होता करके देखता रहे। इसी तरह से आज असंयम ने हमारे इस कॉलेज के मेरे भाई और मेरी बहनें इस तरह से अपने आप को इन विकारों और वासनाओं से आकंठ डूब जाते हैं कि जब गृहस्थ समय आता है, जब जीवन को सही ढंग से निर्वहन करना होता है, उस समय हताश मायूस होकर के कहीं मुंह छिपाते हुए अपने आत्मग्लानि से घिरे हुए होते हैं, उससे बचना चाहते हैं, तो आप पूरे जोर के साथ अपने मनबल को बढ़ाइए, आत्मबल को बढ़ाइए और सोचिए संसार की वासनाएं मुझे क्या विचलित करेंगी, ये वासनाएं मुझसे कमजोर हैं, मैं वासनाओं से मजबूत हूँ, मैं इन वासनाओं से कहीं प्रबल हूँ, शक्ति संपन्न हूँ, ऊर्जा संपन्न हूँ, ऐसा संकल्प करें। फिर भी कमजोरी आ गई हो, इन मकोई के बीजों को पाउडर करके, यदि आप डायबिटिक के पेशेंट नहीं हैं तो मिश्री में ला लीजिए, जितने आपकी ये बीज सूखा हुआ मिलेगा, अच्छा उसको साफ कर लें, साफ करके फिर इन बीजों को पाउडर करके फिर आप बराबर मात्रा में मिश्री मिला करके प्रातः सायं एक एक चम्मच सेवन करिए। इससे आपका पेट भी ठीक रहेगा, इससे आपकी शारीरिक शक्ति भी बढ़ेगी और यदि आंतों का इन्फेक्शन है तो वह भी ठीक हो जाएगा। तो आइए इन मकोई के प्रयोग को आप जानिए और अपने जीवन को सुंदर बनाइए।